गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। ये मोटू बाबा उठ गया है। ब्रश करेगा मोटू बाबा, ब्रश करेगा। देखो चलो ब्रश करो, ये लो करो ब्रश। डैडा भी करेंगे, फेंकना नहीं है, ऐसे करना करो करो। जब वीडियो नहीं होती ना ऑन तो पता नहीं क्या क्या कर रही होती है। ई कर दो, दियो। डाटा शीशे में देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको खिला रहा हूँ ताकि इसको पॉटी आ जाए। बो हाय, से हाय। हाय हाय, ये टेल के दो डाटा को। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं अभी जस्ट उठी हूँ, रिफ्रेश हुई हूँ और अब मैं बनाने वाली हूँ टोस्ट, चीज़ टोस्ट। और चाय बन रही है, हनी छत पे गैस लगाने को लेके कपड़े वगैरह डालने, और धूप भी बहुत अच्छी है। तो चलिए हम भी छत पे ग्राउंड में जाते हैं। गाइस मैं नहा धो के आ रही हूँ, मैं छत पे जा रही थी जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन छत पे मैं जा नहीं पाई क्योंकि ऑन द स्पॉट ये नीचे आ गया। मैं अकेले नहीं जाती क्योंकि यहाँ बंदरों का बहुत आउट। सिवाना से हाय, से हाय। शिवानु से हाय, बंद कर दो। शिवानु से हाय, शिवानु हाय। कैसे रोता है? अपने आपको देख रही शक्ल बनाते हुए, अपने आप उसको देखना इतना अच्छा लगता है, शक्ल बनाते हैं। वाह वाह वाह। तो गाइस आज सोते सोते मेरी नस चढ़ गई गर्दन की और बहुत दर्द है। तो हल्की सी दर्द, लेकिन अभी दबा रहा है तो पता चल रहा है बहुत दर्द है। सर दबा दियो, सर में दर्द हो रहा है। शट अप गाइस, नीचे उतरने के लिए 10 मिनट ऐसे टंगे रहना पड़ता है इसको। धीरे 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 नीचे खिसक सकती है। कम से कम भी इसको 1 मिनट से ऊपर हो गया ऐसे टंगे। गाइज हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं किसी काम से, और शिवाना का ना ये पजामा गीला हो गया पूरा, डायपर लीक हो गया। विशाली को मैंने बोला, अभी तक विशाली आई नहीं थी ऊपर से, मैंने उसको बोला आते हुए पूरे कपड़े लेके आओ इसके, अब पूरे गाड़ी में इसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और इसने सीट का देखो क्या हाल कर दिया। सबसे पहले मैं टेलर पे जाके अपने सारे काम खत्म कर दूं, क्योंकि फिर कल मैं करूंगी पैकिंग, एंड एक दो दिन में मैं पैकिंग करूंगी, तो टेलर का कोई चक्कर नहीं लगने वाला। एंड अभी के लिए लग रही है भूख, हमें टोस्ट खाए हैं बट भूख लग रही है। और मान चुके हैं ब्रेड पकौड़ा लाने, तो जब हम ब्रेड पकौड़ा खा लेंगे हम तब बात करेंगे। ओके तो गाइज विशाली अपने ट्रायल पे आई है, हम बस पहुंचने वाले हैं जो इनके मास्टर जी हैं उनके पास, और हमें भूख लग रही थी तो ये पीछे स्वदेशी मिष्ठान करके यहाँ से समोसे ले लिए, और कुछ तो मिल लेना, मैंने कहा चलो समोसा ही खा लेते हैं, भूख लग रही है, बाकी सब तो बाद में खा लेंगे। और ऐसा होता है जब हमें कहीं जाना होता है ना, तो मानशु को भूख लग जाती है अलग सडन। एंड गाइस मैं अपने बेबी हेयर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ये तो मैंने काटे थे जो कि अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, बट जो मैं अगर नहीं काटती ना तो ये आज कोई इतने होता है। ये भी नहीं है, वो ये वाले हैं जो नीचे वाले, ये इतने होते हैं। बाल लंबे हों तो छोटे करवाने का मन करता है, और छोटे हों तो मन करता है कि लंबे हो जाए वापस। इसी कश्मकश में दुनिया हमारा जीवन फंसा हुआ है। एकदम थर्ड क्लास समोसे खाए हमने इस वक्त, आधा घंटा लगा क्योंकि बना रहा था, और एक्चुअल में भूख इतनी लग रही थी कि भाई लेना पड़ा, बट बहुत बेकार मन कर रहा है, इतना मन खराब हुआ है ना मेरा, क्या बताऊं। अरे भाई जहां आते हो आप नुकसान करते हो बेटा सबका, देखो जरा। कर कह रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही भाई, ऊपर तक पहुंच गई। बाय 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 बाय। भाई साहब मेरा बच्चा ऐसे बड़ा होता जा रहा है,
बाय बाय। गाइस हम अपने एरिया पहुंच गए और हमारे एरिया में बस ये पहचान है, यही दिक्कत है हमारे एरिया में, बस तो शुक्र है मिल गया रास्ता। ये देख लो, देख लो, देख लो, देख रहा कितना जाम लगा हुआ है, देखते लो दलाते कितना जाम है। ये पूरी साइड ब्लॉक है और हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम आगे से जाएंगे। दो घटिया आदमी आ रखे हैं बिल्कुल थर्ड क्लास में। मिस्टर मीस लग रहा है, बता मेरे को। अच्छी अड्डा, तुम जाओगे नहीं जब तक मैं मैक्रोनी नहीं बनाऊंगी? नहीं चले जाएंगे अब तो। मैं चले जाऊंगा, मैं छोटे टुकड़े यहां तक आ रखे हैं। अभी कैसे खाया था तुमने आम बाबा? वेज था ना। तो जी गोलू और विशाल जा चुके हैं, मैं नीचे आ गया था ऑस्टू के साथ क्योंकि इस गाड़ी को भी जाना है हिमाचल लेके और मेरी वाली भी जाएगी, तो सामान सामून सेट कर रहा था। और कल तो नहीं जा रहे हैं अभी, हम अभी है एक दो दिन, बट कल सुबह गाड़ी वाले भैया आएंगे, उनसे ये अंदर बाहर से साफ़ करानी है ये वाली गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी एक दिन पहले निकल जाएगी और हम लोग एक दिन बाद में जाएंगे। तो वो तो आप देखते रहना। और क्लीन क्लून करा के और सामान सामून डिग्गी में से खाली करना था, क्योंकि हमारे आपको पता ही है विशाली जो होता है उठा के डिग्गी में रखवा देती है, सामान ही इतना भाई क्या करें। और हम कभी भी कोई भी गाड़ी लेके निकल जाते हैं इसलिए ऑलमोस्ट हर गाड़ी में सामान होता ही होता है कुछ ना कुछ। ऑस्टिन की चद्दर तीनों गाड़ियों में है, शिवाना के वो चिपकू तीनों गाड़ियों में है, कुछ कुछ चीज़ें हमारी वायर्स तीनों गाड़ियों में है, जैसे चार्जिंग केबल हो गई और ऑक्स वायर हो गई। तो वो सब तो रहता ही है, तो वही सब कर रहा था। अभी कल दिन में भी करूँगा कुछ ना कुछ, और हवा हवा चेक कराऊँगा दोनों गाड़ियों की, पंचर पुंचर जो भी होगा स्टपनी वगैरह मैं सब दिखा के ले आऊँगा एक बार, देखते हैं। फिलहाल के लिए तो बस छोटा सा काम था वो करने आया था, और विशाल गोलू को भेजने आया था और ऑस्टू को सुसू कराने आया था। अब चलते हैं ज़रा ऊपर, चिराना को डोसा खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, खा तो रही है बट भाग भाग के खा रही है। लो बच्चा, लो देखो होगी ना बिजी भाई, बच्चा कैसे टिके यार एक जगह। ये देखो के साथ विशाल गोलू के साथ इतनी लेट हो गई कि 11:30 बजे चाय पी रहे हैं, और बहुत ना थकावट सी लग रही है, तो चाय का बहुत चुस्की बहुत जरूरी है। एक्चुअली दिन की दो चाय ना फिक्स्ड होती है ऑफिस में, तो आपके तो तीन चार होती है ऑफिस में, ज्यादा हो जाती है, बट वैसे छुट्टी वाले दिन दो तो फिक्स्ड है। और हमारे कप प्लीज मत देखना बहुत भरे हैं ऐसी, भाई चाय चाय है भाई, चाय चाय इज चाय। वहां से कंघियां उठा चुकी है बच्ची, पता नहीं क्या कर रही है, कुछ मेरी प्राइवेटी कुछ मेरी प्राइवेसी नहीं रही है मेरी, कुछ चीजों की कुछ नहीं है मेरे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसके अंदर बॉल्स हैं और इसकी एक्साइटमेंट देख लो कि मेरे को बॉल्स गिरा। बच्चों के खेल, वैसे क्या गाइस हम लोग भी तो ऐसे ही खेले हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं, विशाली और मैं हमेशा इसको वो सब चीज़ें करने देते हैं जो हमें हमारे माँ बाप ने करने दी थी, जैसे हम लोग बड़े हुए हैं, जैसे हमारी परवरिश हुई है, एग्जैक्टली सेम हम वही सब करते हैं भाई। ना हम इसको ज़्यादा छुई मुई बनाते हैं, ना जब ये गिरती है तो हम भाग के जाकर और रिएक्शन दे के इसको प्यार से पकड़ लेते हैं, प्यार करते हैं बट हम रिएक्शन नहीं देते और ऐसे भागते नहीं हैं, बिकॉज भाई हम भी टूट टूट के गिर गिर के बड़े हुए हैं, सब बच्चे को ऐसे ही होना चाहिए। खेल भी सेम टू सेम ये वही सब खेलती है जो हम खेलते हैं, ऑल्दो टॉयज अब कुछ ज़्यादा हैं, हमारे ज़माने में इतने टॉयज नहीं होते थे, हम लोग अब थोड़े से एक्स्ट्रा टॉयज मिलते रहते हैं, ऑनलाइन देखते रहते हैं तो वो मंगवा देते हैं। और खेल भी सारे हमारे वाले हैं, कॉर्नर्स में घुस कर खेलना, और गंदगी से हम बिल्कुल नहीं हटाते इसको। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विशाली और मैंने डिसाइड कर रखी हैं कि भाई जैसे हम लोग बड़े हुए हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला है, वैसे हम भी अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। तो ये यही सब तभी आपको हमारे वीडियोज़ में दिखता होगा, उल्टे सीधे खेल खेलती, गत्ते में बैठ जाती है, कोनों में बैठ के खेल रही होती है, छत पे ले जाता हूँ तो मिट्टी में खेल रही होती है, बिकॉज यही नेचुरल चीज़ें हैं, बच्चा ऐसे ही खेलना चाहिए, ऐसे ही बड़ा होना चाहिए। मतलब ये हम दोनों का ओपिनियन है, आप लोग अपने बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ लिए, हर कोई अपने हिसाब से परवरिश करता है, ये हमारी थिंकिंग है, जस्ट शेयर करना चाहता था इसलिए बताया मैंने। भाई साहब माल तो अब आया ना, असली माल
ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, नूडल बॉल या फिर पास्ता बॉल? इटालियन खिचड़ी तो बोलेंगे, पर जो मुंह च पानी है मेरे, बोले नहीं जा रहे मेरे तो। गाइस इसको अब हम खाएंगे और खाने के बाद कर देंगे ब्लॉग को एंड। कल मिलते हैं नए ब्लॉग। ओहो कह रही है कुछ बनाऊंगी तो देखते रहिए। वी लव फूड, वी बोथ लव फूड। ओके गाइस, जो मैंने आपको बताया था कि मैं चॉकलेट मूज बनाने वाली हूँ, तो वो मैंने चॉकलेट इसको पिघला लिया है यहाँ पे। सो गाइस मैं को चॉकलेट मूज समझा रही थी, वो ये है कि मैंने आगे दिखाना भूल गई। तो उस पिघली हुई चॉकलेट में मैंने 100 ग्राम चॉकलेट में 160 ग्राम पानी डाला है, आधा कप मान लो। तो क्या नाम है, गरम पानी डालना है बिल्कुल उसमें, और उसको फिर ग्राइंड कर देना है मिक्सी में, और वो बबली बबली सा हो जाएगा। और जब वो उसको सेट करें नॉर्मली फ्रिज में रख दो, और जब वो आपको लगेगा सेट हो गई है, तो वो जब सेट होएगी ना, तो वो एक हार्ड चॉकलेट नहीं होगी क्योंकि उसमें गर्म पानी मिला है, वो एक फ्लफ़ी चॉकलेट होएगी मूज। तो बिना किसी क्रीम के वो मूज बन जाएगी, ऐसा मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था। अब ऐसा होता ही नहीं होता, या ये एक स्कैम है या मुझे नहीं करना आया। वैसे मैंने चॉकलेट कंपाउंड डाला है, नेक्स्ट टाइम अगर ये नहीं बनता है तो मैं दूसरी अमूल की डार्क चॉकलेट लाऊंगी, तब करूंगी। तो गाइस अब बहुत रात हो गई है, 2 बज गए, मुझे लगता है व्लॉगिंग इन कर देना चाहिए। कल लाऊंगी एक नया व्लॉग, तब तक ले बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।